ओके okay. अगर आप गुलाब जल डालोगे तो स्माइल आएगा, वरना ऐसे ही ये बन जाता है okay. देखो आपको लगता है पत्थर है लेकिन दो मिनट में तैयार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मित्रांनो, एपिसोड 3 मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आता आपण गोपी तलावला जात आहोत। द्वारका रेल्वे स्टेशन पासून गोपी तलाव हे 20 किलोमीटर दूर आहे। आपण आता गोपी तलावला पोहोचलो आहोत। चला बघूया ते कसं आहे, तो तलाव कसा आहे आणि तिथं काय झालं होतं एक्झॅक्टली ते पण आता सगळं बघूया। चला इसके अंदर से चंदन निकल रहा है क्या? इसके अंदर चंदन। अच्छा। अभी मुझे कोई चंदन नहीं निकल रहा है क्या भैया? अभी तो ये पूरा त्राव भर गया ना। अच्छा अभी नहीं निकलेगा क्या? अभी बारिश के बाद, बारिश रुक जाएगी 2 महीने के बाद। हाँ हाँ अच्छा। ये तालाब से निकालो, आप पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ ओके। स्माइल इसमें गुलाब जल डालना पड़ता है ओके। अगर आप गुलाब जल डालोगे तो स्माइल आएगा, वरना ऐसे ही ये बन जाता है ओके। देखो आपको लगता है पत्थर है लेकिन 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। है ना? ऐसा पत्थर निकलता है, इसका तराश कैसा लगा? ये बारीक भुकी निकलती है, इसी में से ये आकार देते हैं। अच्छा। और ये पत्थर निकलते हैं वो थोड़ा महंगे आते हैं, और इस्कॉन मंदिर और स्वामीनारायण वाले वो यूज करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण मजद द्वारकाधीश है, उनको भी यही लगाया जाता है क्या? ये पूरी कहानी 2 मिनट लगेगी। जब द्वारका, द्वारिका में राजधानी कृष्ण की थी, तभी उसका सर दर्द कर रहा था, मेडिसिन तभी था नहीं okay. तो वेदों ने उच्चार किया लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं आया। बराबर। तभी उसने पूछा कि मैं ये कृष्ण, आपका सर दर्द कैसे कम हो सकता है okay. तो उसी ने बताया कि जो मेरा प्रिय भगत होगा उसकी चरणों की रज मिलेगी, वो मेरे माथे पर लगाऊंगा तभी मेरा सर दर्द कम होगा okay. तभी किसी ने, वो वैष्णव अवतार थे इसलिए किसी ने उसका चरण रज देते नहीं, क्योंकि वैंकुट नहीं मिलता उसको। हम हमारी चरण रज देते, वो वैष्णव अवतार थे तो माथे पर लगाते तो हमको वैंकुट नहीं मिलता, इसलिए किसी ने दिया नहीं। तभी गोकुल मथुरा में गोपियों को पता चला कि कृष्ण के साथ ये हुआ है और उसका सर दर्द कम नहीं हो रहा। गोपियों आई वहाँ से गोकुल मथुरा से, आके यहाँ उसका चरण रज दिया, तब कृष्ण ने बोला आपको वैंकुट नहीं मिलेगा। उसने बोला कुछ बात नहीं, तुम हमारे प्रिय हो, आपका सर दर्द कम होता हो तो हमें जो भी सजा मिले हमें मंजूर है, लेकिन हमारा चरण रज लो। तभी उसने चरण रज दिया और लगाया। जब चरण रज लगाया तब उसका दर्द कम हो गया, लेकिन गोपियों को बोला कि अभी आपको वैंकुट नहीं मिल सकता, वैकुंठ नहीं मिल सकता,
तो वो सही है, लेकिन आपको मैं मेरे सीने में जगह दूंगा। तो वो तो वैकुंठ के ही रहने वाले थे। तो सब समान कर लिया और उसको बताया कि अभी आपका मोक्ष टाइम आएगा, मोक्ष मिलेगा, तभी जो चरण की रज है आपकी वो चंदन से यूज किए जाएगी। और ये यहाँ उसका मोक्ष हुआ और ये चंदन के रूप में अभी चलता है। थैंक यू सो मच अंकल। आपका नाम क्या अंकल? सुरेश गोस्वामी। एड्रेस राधा मंदिर के पास मुझे इधर एड्रेस भी राधा मंदिर। ये क्या है कि बाहर से ये सब निकाले हुए। अच्छा, वो मिट्टी, वो चंदन जो धूप के टाइम में निकाल के रख देते हैं। ओके। ओहो, ऐसे ऐसे पत्थर पत्थर जैसे निकलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सुरेश काका, तुम्ही एवढी छान माहिती आम्हाला या गोपी तलाव बद्दल दिली। थैंक यू सो मच। जय बोलो द्वारकाधीश की जय।